पिछले कुछ दिनों से ये पति और पत्नी एक बच्चे के लिए प्रशासन के चौकटों पर जाकर के मत्था टेक रहे हैं, मत्था पटक रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि वो बच्ची मुझको लौटा दीजिए साहब। ये जो बच्ची थी, ये बच्ची इनकी नहीं थी, ये बच्ची झाड़ियों के बीच पड़ी हुई थी और इस व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी तो उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले करके गया। घर में खुशी का माहौल था लेकिन पल भर में मातम में प्रशासन ने बदल दिया। हुआ यूँ था कि आपने पिछली खबर में हमारी देखा होगा कि एक बच्ची झाड़ियों में फेंकी हुई थी, कोई दो युवतियाँ आती हैं स्कूटी से और झाड़ियों में फेंक करके चली जाती हैं और ये जो दोनों पति पत्नी हैं इसमें का जिनका पति है वो किसी स्कूल की गाड़ी चलाता है और वो उससे मिलती है बच्ची तो उसे अपने घर लेकर के जाता है और बाकायदा लोगों के बीच गाँव के बीच मिठाई बाँटता है और ये कहता है कि मुझे ईश्वर ने बच्ची दे दी है। पहले से इसके तीन बच्चे थे, तीनों लड़के हैं लेकिन लड़की नहीं हुई और लड़की के चक्कर में ये कहते हैं कि हम तीन हमारे बेटे हो गए, हमें ईश्वर ने लड़की नहीं दिया। लेकिन झाड़ियों के बीच जैसे ही ये लड़की इनको मिली इनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, ये पति पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक लगती है और वो बच्चे को पहले तो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ लेकर के चलो, वहाँ पे कागज़ बनेगा, हस्ताक्षर करना, फिर आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय थानाध्यक्ष जो हैं वो उसे लड़की को जिला अस्पताल भिजवा देते हैं और वहाँ जाने के बाद इनके साथ धोखा हो जाता है और ये कहा जाता है कि ये बच्ची अब प्रशासन की है, सरकारी है, आपका इस पर कोई हक नहीं है। और उसी दिन से ये दोनों पति पत्नी उस बच्ची को पाने के लिए परेशान है। एक माँ जो है इसकी ममता को आप देख सकते हैं, इतनी रो रही है उस बच्चे को पाने के लिए, ये क्या ही कहा जाए। हमने जब इनसे बातचीत किया तो पता चला कि ये बच्ची इनके कब्जे से दूर है और लोगों ने ये कह करके हम इनको भगा दिया कि अब ये बच्ची सरकारी है, अब आपको नहीं मिल सकती। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त झाड़ियों में वो बच्ची थी उस वक्त वो प्रशासन कहाँ थी और जो स्थानीय प्रशासन थी उसकी कार्यशैली कैसी है, कितना भय है लोगों के बीच में कि लोग बच्ची को पैदा करते हैं और उसे झाड़ियों में फेंक करके चले जाते हैं और उसके बाद किसी को कानों कानों तक भनक नहीं लगती और जब ये बचा करके उसे अपने घर ले करके जाते हैं तो उसे ये कह करके उसे अपने कब्जे में कर लिया जाता है कि अब ये बच्ची प्रशासन की है। पिछले 4-5 दिन पहले की यह घटना है। ये घटना बलिया जिला के थाना नगरा क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है। राकेश कुमार बताते हैं कि जब हम बच्ची को अपनी गोद में लिए थे तो ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि बच्ची मेरे खून की है, खून का रिश्ता इस बच्ची से है। कहीं ये नहीं लग रहा था कि सड़कों पर पाई हुई एक लावारिस बच्ची है। उठा करके ले करके जाते हैं घर में, अपने जब पत्नी को बताते हैं, उनकी पत्नी का नाम सुमन है, जब पत्नी को बताते हैं कि हमें एक बच्ची मिली है तो उस माँ की ममता एक बार छलक पड़ती है और उस बच्ची को सीने से लगा करके ईश्वर का शुक्रिया अदा कहती है कि मुझे मेरी झोली में ईश्वर ने इस नवरात्र के महीने में माँ दुर्गा के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में एक बच्ची दिया है और मैं धन्य हो गई, मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी और अपनी इसे इसकी शादी विवाह करके इसे इसके घर भेज दूंगी, इसके ससुराल भेज दूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है साहब। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर, ये तस्वीर इसी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की है। सुल्तानपुर जनपद का एक थाना क्षेत्र पड़ता है अखंड नगर और उसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है भेलारा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में है। ये बच्ची जो है इसे भी किसी ने पैदा करके मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर से ही नीचे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि इस बच्ची के दोनों पैर टूट गए थे। संयोग बस एक आदमी वहाँ पर जाता है और उसे उठा करके घर लेकर के आता है, बाकायदे उस बच्ची का इलाज कराता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके दोनों पैर टूट गए थे। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बच्ची आज भी इनके घर पे है। वहाँ के जो प्रधान जी हैं वो बाकायदे लिखा पढ़ी करके और उनको सौंप देते हैं। लेकिन बलिया की जो प्रशासन है इतनी एक्टिव है, इतना उसे ऐसा लगा कि इनके घर इसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा और धोखा दे करके राकेश कुमार को बुलाते हैं थाना, वहाँ से भेज देते हैं जिला अस्पताल और वहाँ पर बच्ची अब इनको ये कह करके इनको लौटा दिया जाता है कि ये सरकारी संपत्ति है। अब उसी दिन से ये दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। इनके घर में एक छोटा बच्चा है वो भी रो रहा है, उसकी तबीयत तक खराब हो गई थी। खबर ये है कि आज पिछले 4-5 दिन इस घटना को हो गए, घर में सही तरीके से चूल्हे भी नहीं जल पा रहे हैं
और खाना भी ये परिवार नहीं खा रहा। इन्हें आज भी उम्मीद है कि हमें बच्ची हमको मिल जाएगी। अब ये जाते हैं जिलाधिकारी के पास, कल के दिन गए थे यानी कि सोमवार को पिछले कल गए थे, तो वहाँ पर भी इनको इस ये कह करके, वहाँ पर ये मुलाकात ही नहीं हुई। जैसे पहुँचे वहाँ से जिलाधिकारी महोदय उठ गए थे और इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और ये कुछ गांव के कुछ लोगों के साथ गए थे ये भरोसा दिलाने के लिए कि साहब मैं इस बच्ची को पाल लूँगा, ये बच्ची मुझको दे दिया जाए। अब इस मामले को थोड़ा समझ लीजिए कि बच्ची इनको क्यों नहीं मिल रही है। नियम के अनुसार बच्ची उन्हीं को मिलती है जिनके घर में कोई बच्चा नहीं होता है। लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और बाकायदा जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी होती है जहाँ इस तरह के बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर जाया जाता है, और जाने के बाद वहाँ पर बातचीत की जाती है, फिर बाकायदा एक सर्टिफिकेट बनता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर बच्ची सौंप दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला ये पड़ जा रहा है कि राकेश के पहले से ही 3 बच्चे हैं। अब एक और मानवता के आधार पर एक और ऑप्शन है कि बच्ची आपको मिल सकती है, उनको बच्ची मिल सकती है जो जिनकी जो अर्निंग सोर्स जो है, जो कमाने की जो प्रक्रिया है वो बेहद थोड़ा बेहतर हो, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हों। प्रशासन को ये लगेगा कि ये बच्ची उनको सौंप दी जाएगी तो आसानी से उसका पालन पोषण कर लेंगे, उनको बच्ची दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, कहा यह जा रहा है कि जो राकेश कुमार हैं वो किसी एक स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का वाहन चलाते हैं, उसमें बहुत अच्छी खासी इनकम नहीं होती है, सैलरी कुछ खास नहीं होती है। ऐसे में उन लोगों को शक है, प्रशासन को कहा जा रहा है कि उनको ऐसा ये माना जा रहा है कि वो इस बच्चे को पालने में असमर्थ हो, क्योंकि कमाई कम है और पहले से 3 बच्चे हैं, महंगाई ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में भी वो लोग बच्ची को देने से कतरा रहे हैं। अब चर्चा ये भी है, कमेंट सेक्शन जब हमारे देखेंगे पिछली खबर में, खबर को जब खबर हमने उनसे बातचीत की थी, चलाया गया था खबर को, तो उस कमेंट सेक्शन में कम से कम 75% ऐसे कमेंट थे जिसमें कहा गया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए बच्ची को राकेश ने बचाया है तो बच्ची पर अधिकार उसका है। और ये भी कह रहे हैं कि बच्ची उसको किसी तरीके से मिलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, जो पूरा चिकित्सा विभाग जो होता है इस मामले को लेकर के, उसमें कुछ ऐसे बच्चियों का सौदा होता है। सौदे का मतलब कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर अच्छी खासी एक रकम दे करके, पैसे दे करके बच्चियों को लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, और ये लोग पैसे के लालच में बच्चे उनको ही देते हैं जिनको पैसे मिलते हैं, जो इनको पैसे देते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये चर्चा है कि अगर आप पैसे देंगे तो आपको बच्ची मिल सकती है। बहुत से ऐसे माँ हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में किसी कारणवश अगर बच्चा पैदा नहीं होता है, तो जा करके ऐसे आश्रम से, ऐसे जगह से चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से संपर्क करते हैं और बच्चों को वहाँ से बच्चे ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि ये राकेश हैं कि पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अगर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे उनको कुछ दे दिया जाए तो वो दे देंगे, लेकिन थोड़ा सोचिए कि अगर राकेश और राकेश की पत्नी उस बच्चे के लिए इस तरीके से रो सकते हैं, रो रहे हैं, इनका एक छोटा सा बच्चा खाना पीना छोड़ सकता है, वो बीमार पड़ सकता है बच्चे के लिए, तो उसका पालन पोषण भला राकेश क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, गरीब बच्चे हैं जो आज भी उनका पालन पोषण बड़ी आसानी से हो जाता है। एक अलग मैटर है कि उनको एक लग्जरी सोसाइटी नहीं मिलती है, लेकिन परिवार उनका पालन पोषण अपने बच्चों का कर लेता है। तमाम लोगों ने कहा कि इस माँ की ममता को देखते हुए, इस माँ के जो आंसू हैं, ये साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि आसानी से उस बच्ची को पाल सकती है। लेकिन अब ये बच्ची इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची हमको मिल जाए। आज फिर जब हमने राकेश कुमार से बातचीत किया तो पता चला कि वो फिर जिलाधिकारी के पास गए हैं और वहां से बच्ची को पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा वो अपडेट आपको हम बहुत जल्द देंगे कि बच्ची इनको मिली या नहीं मिली। फिलहाल आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, इस खबर को इतना शेयर करिएगा कि ये बात उन तक पहुँचे और इस माँ के आंसू पर किसी की दया आ जाए, किसी अधिकारी की नज़र पड़ जाए और बच्ची इनको वापस कर दे। शुक्रिया।